please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक रैली के दौरान बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। इस मंच से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए बीजेपी पर समाज को तोड़ने का आरोप लगा दिया और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी के डीएनए में ही खोट बता दिया। हमारा अंतर उनके डीएनए से है, जो उनका डीएनए जो खोट है, ये आज हमें जनता तक ये बात पहुंचानी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पहले अपना डीएनए चेक कराएं, फिर हमारे के अंदर खोट निकालें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आगे भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है। चीन के वुहान शहर में एक टूरिस्ट सेंटर में अचानक एक छत गिर जाने की वजह से हड़कंप मच गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां घूमने आए लोग पहली मंजिल से एस्केलेटर के जरिए उतर रहे थे और उसी दौरान वहां की छत गिर गई। एस्केलेटर से उतर रहे कई लोग उसकी चपेट में आ गए। इसके बाद वहां राहत और बचाव दल पहुंचा। छत के मलबे में दबे लोगों को निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तीन देशों के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ग्रीस पहुंचे। तीन देशों के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ग्रीस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इंदौर में भैयूजी महाराज के आत्महत्या मामले में उनकी बेटी ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि वो अपने पिता की दूसरी शादी के खिलाफ थी। राजस्थान की शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फिटनेस वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। दिल्ली के बुराड़ी में जमानत पर बाहर आए एक अपहरणकर्ता पर फायरिंग हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में शादी से अचानक गायब हुए एक बच्चे का शव कुएं में मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। अहमदाबाद के एक दुकान में बेकाबू ट्रक घुसने की वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में CO2 गैस सिलेंडर में विस्फोट हो जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। वहीं जिस ट्रक में गैस सिलेंडर रखा था उसे भी काफी नुकसान पहुंचा। बिहार के सिवान में आरओ का पानी पीने की वजह से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के श्री गंगानगर में 9 दिन से लापता एक बीएसएफ जवान के परिवार ने मदद के लिए गृह मंत्रालय से गुहार लगाई। रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान राजधानी मॉस्को में एक टैक्सी ड्राइवर ने सड़क किनारे पैदल चलते 8 लोगों को कुचल दिया। रूस की पुलिस के मुताबिक मॉस्को के रेड स्क्वायर इलाके में हुए इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि टैक्सी ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा था और उसने फुटपाथ पर चल रहे 8 लोगों पर अपनी टैक्सी चढ़ा दी। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ टैक्सी ड्राइवर ने किस तरीके से लोगों को कुचला और फिर उसको पकड़ लिया गया, और वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची। हालांकि इस हादसे के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये एक हादसा है या साजिश है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। मुंबई से सटे थाने में पेड़ गिरने से की वजह से 2 घटनाएं सामने आई। पहली घटना थाने के 3 हाथ नाका की है, जहां पेड़ गिरने से 5 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं थाने के मानपाड़ा इलाके में भी पेड़ गिरने की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि दोनों ही घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। मेघालय की राजधानी शिलोंग में कुछ लोग हाथ में पोस्टर और मोमबत्ती लेकर मार्च निकालने लगे। ये लोग असम में 9 जून को हुई 2 लड़कों की हत्या के विरोध में उन्हें श्रद्धांजलि देने सड़क पर उतरे और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर शांति मार्च निकाला। आगे चल रहे लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर ले रखा था, जिसमें निलोत्पल दास और अभिजीत नाथ की तस्वीरें लगी थी। 9 जून को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में अज्ञात लोगों ने बच्चा चोरी के शक में दोनों की हत्या कर दी थी। सड़क पर मार्च निकालने के बाद ये लोग एक बड़े से हॉल में जुटे, जहां मारे गए दोनों लड़कों को श्रद्धांजलि दी गई। We would like to appeal to the Assam government that they take stringent action against the culprits. असम पुलिस ने इस मामले में 19 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का दावा किया। रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी पेनल्टी किक को गोल में बदलने से चूक गए। आइसलैंड के खिलाफ हुए इस लीग मैच में 64वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी किक मिली थी। पेनल्टी लेने के लिए खुद कप्तान मेसी आए, लेकिन मेसी की किक को आइसलैंड के गोलकीपर ने रोक लिया और मेसी के पेनल्टी किक चूकने की वजह से अर्जेंटीना और आइसलैंड का मैच 1-1 गोल की बराबरी में रहा।
रूस में दिनों वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैच खेले जा रहे हैं और पूरी दुनिया में फुटबॉल प्रेमियों के सर चढ़ कर ये जुनून बोल रहा है। देखते हैं उसी की तस्वीरें। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ लोग हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे। ये लोग नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड के विरोध करने पहुंचे थे, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नोएडा स्टेडियम से डीएम के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा के सेक्टर 123 के आसपास रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि डंपिंग ग्राउंड बनने से उनका जीना मुश्किल हो गया। रोज के 200 ट्रक फेंक रहे हैं हमारे घर के आगे, ये इतनी बदबू है कि कोई वहाँ पे जी ही नहीं सकता। इससे पहले डंपिंग ग्राउंड के विरोध में एक रैली निकाली गई, जिसमें दो लोगों को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और बीजेपी विधायक पंकज सिंह का मुखौटा पहनाकर सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान लोगों ने 2019 में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी। उत्तर पूर्व के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। असम, त्रिपुरा और मणिपुर में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है, जबकि लगभग 8 लाख लोग बाढ़ के चलते बेघर हो गए हैं। हजारों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है। बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को राहत देने के लिए वायुसेना के विमान लगातार खाने के पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। सरकार ने एनडीआरएफ की टीमों के साथ बचाव दलों को लोगों को राहत देने के लिए तैनात कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत की संभावना से इनकार कर रहा है।